हेलो एरिवान, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। उत्तर प्रदेश की एक लोक कथा सच्चा मन। एक बाल ग्वाल रोजाना अपनी गायों को जंगल में नदी किनारे चराने के लिए ले जाता था। जंगल में वह नित्य प्रतिदिन एक संत के यौगिक क्रियाकलाप देखता था। संत आंखें और नाक बंद कर कुछ यौगिक क्रियाएं करते थे। ग्वाला संत के क्रियाकलाप बड़े गौर से देखता था। एक दिन उसे रहा नहीं गया, उत्सुकतावश उसने संत से यौगिक क्रियाओं के बारे में पूछ लिया। बाल ग्वाल के सवाल पर संत ने जवाब दिया कि वह इस तरह से भगवान से साक्षात्कार करते हैं। संत के प्रस्थान करने के बाद ग्वाला भी यौगिक क्रियाओं को दोहराने लगा और इस बात का संकल्प ले लिया कि आज वह भगवान के दर्शन साक्षात करके ही रहेगा। ग्वाले ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और नाक को जोर से दबा लिया। श्वास प्रवाह बंद होने से उसके प्राण निकलने की नौबत आ गई। उधर कैलाश पर्वत पर महादेव का आसन डोलने लगा। शिव ने देखा कि एक बाल ग्वाल उनसे साक्षात्कार करने के लिए कठोर तप कर रहा है। उसके हट को देखकर शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ और तुमको दर्शन देने आया हूँ। ग्वाले ने बंद आंखों से इशारा कर पूछा, आप कौन है? भोलेनाथ ने कहा, मैं वही भगवान हूँ जिसके लिए तुम इतना कठोर तप कर रहे हो। ग्वाले ने आंखें खुली और सबसे पहले एक रस्सी लेकर आया। क्योंकि उसने कभी भगवान को देखा नहीं था, इसीलिए उसके सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया। उसने भगवान को पेड़ के साथ रस्सी से बांध दिया और साधु को बुलाने के लिए भाग कर गया। संत तुरंत उसकी बातों पर यकीन करते हुए दौड़ते हुए आए, लेकिन संत को कहीं पर भी भगवान नजर नहीं आए। संत ने बाल ग्वाल से कहा, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहे। तब ग्वाले ने भगवान से पूछा, प्रभु, आप यदि सही में भगवान हो तो साधु महाराज को दिख क्यों नहीं रही हो? तब भगवान ने कहा, जो भक्त छल कपट रहित सच्चे मन से मुझे याद करता है, मैं उसको दर्शन देने के लिए दौड़ा चला आता हूँ। तुमने निश्चल मन से मेरी आराधना की, अपने प्राण दांव पर लगाए और मेरे दर्शन का दृढ़ संकल्प लिया, इसीलिए मुझे कैलाश से मृत्युलोक में तुमको दर्शन देने के लिए आना ही पड़ा। जबकि साधु के आचरण में इन सभी बातों का अभी अभाव है। रोजाना के क्रियाकलाप करते हैं, लेकिन उनके मन में अभी भटकाव है, इसीलिए मैं तुमको तो दिखाई दे रहा हूँ लेकिन संत को नहीं। टिप टिपवा। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाए, ये टिप टिपवा से जान बचे तब ना। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी, ये टिप टिपवा कौन है? टिप टिपवा क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, न शेरवा के डर न भगवा के डर, डर तो डर टिपटिपवा के डर। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। अब यह टिपटिपवा कौन सी भला है? जरूर यह कोई बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज्यादा टिपटिपवा से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहां से धूम दबाकर भाग चला। उसी गांव में एक धोबी रहता था, वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गाँव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। पत्नी की बात धोबी को जच गई। अपना मोटा लट्ठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलिझ उलिझ कर फेंक रहे थे। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बांध कर बताइए तो वह कहाँ है? सुबह से पानी उलिझते उलिझते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया पूछने? अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गढ़ई पोखर में। और पंडित जी लगे फिर पानी उलिछने। धोबी वहां से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा।
तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपा के डर से वही घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आव देखा न था और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिपटिपा है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो जो ये कहता है वही करना होगा। आज तूने मुझे बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के साथ चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांधा और सोने चला गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से बंधे बाघ को देखा, हैरानी से उनकी आंखें खुली रह गई। धान की कहानी। एक बार ब्राह्मण टोला के निवासियों को किसी दूर गांव से भोजन के लिए निमंत्रण आया। वहां के लोग बहुत प्रसन्न हुए और जल्दी जल्दी दौड़ भाग कर उस गांव में पहुंच गए। वहां सब ने जमकर भोजन का आनंद उठाया, खूब छक्कर खाया। भोजन करने के बाद सब लोग अपने घर की ओर चल दिए, पैदल ही चले क्योंकि सवारी तो थी नहीं। रास्ते में चावल के खेत लहला रहे थे, ये देख कर उनमें से किसी से रहा नहीं गया। सब ने आव देखा न था और टूट पड़े चावल पर। हाथ से चावल के बाल अलग करते और मुंह में डाल लेते। उसी रास्ते से शिव व पार्वती भी जा रहे थे। इस तरीके से उन लोगों को खाते देख पार्वती ने शिव जी से कहा, देखिए ये लोग भोज खाकर आ रहे हैं फिर भी कच्चे चावल चबा रहे हैं। शिव जी ने पार्वती की बात अनसुनी कर दी। पार्वती ने सोचा मैं ही कुछ करती हूँ। सोच विचार के बाद उन्होंने श्राप दिया कि चावल के ऊपर छिलका हो जाए। तभी से खेतों में चावल नहीं धान उगने लगे। सोने का भिक्षा पात्र। अयोध्या में चूड़ामणि नाम का एक व्यक्ति रहता था। धन पाने की इच्छा से उसने बहुत दिनों तक भगवान की तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर एक रात धन देवता कुबेर ने उसे सपने में दर्शन दिए। उन्होंने कहा, सूर्योदय के समय तुम हाथ में लाठी लेकर घर के दरवाजे पर खड़े हो जाना। कुछ देर बाद तुम्हारे पास एक भिक्षुक आएगा, उसके हाथ में एक भिक्षा पात्र होगा। जैसे ही तुम उस भिक्षा पात्र में अपनी लाठी अड़ाओगे वह सोने में परिवर्तित हो जाएगा। उसे तुम अपने पास रख लेना। ऐसा 10 दिन करने से तुम्हारे पास 10 सोने के पात्र हो जाएंगे, जिससे तुम्हारी जीवन भर की दरिद्रता दूर हो जाएगी। रोज सुबह उठकर चूड़ामणि वैसा ही करने लगा जैसा कुबेर ने सपने में बताया था। एक दिन उसे ऐसा करते हुए लालची पड़ोसी ने देख लिया। बस उसी दिन से चूड़ामणि का पड़ोसी नित्य प्रति किसी भिक्षु की प्रतीक्षा में अपने घर के दरवाजे पर लाठी लिए खड़ा रहता। बहुत दिन बाद अंततः एक भिक्षुक उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने आया। पड़ोसी ने भिक्षा पात्र पर डंडा छुआया पर वह सोने में नहीं बदला। अंत में उसे गुस्सा आया और उसने आव देखा न ताव भिक्षुक पर प्रहार करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में भिक्षुक के प्राण पखेरु उड़ गए। उसके इस कर्म की सूचना राजा तक पहुंची। राज कर्मचारी उसे गिरफ्तार कर राजा के सामने ले गए। अभियोग सिद्ध किया गया। लालच ने पड़ोसी को मौत के मुंह तक पहुंचा दिया। राजा प्रसेनजीत की चतुराई। अवध के उत्तर में प्रसेनजीत नाम का एक राजा राज करता था। एक दिन उस नगर में एक तपस्वी आया। वह दाल भात न खाकर केवल कच्चे धान पर ही जीता था। उसकी इस बात को देखकर नगर के सेठ ने उसके रहने का प्रबंध एक सज्जन के घर में कर दिया। नगर का सेठ उसके लिए प्रतिदिन धान भेजा और कुछ नकदी अशर्फिया भी। तपस्वी को पूरा त्यागी समझकर नगर के अन्य व्यापारी भी उसे दान दक्षिणा देते थे। वह तपस्वी कंजूस विचार प्रवृत्ति का था। जब उसके पास 1,000 दिनार जमा हो गए तब उसने उन्हें मिट्टी के छोटे से कलश में डाला और जंगल की ओर चल दिया। घने जंगल में उसने यह धन एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया। वह प्रतिदिन जंगल में यह देखने जाता कि कहीं वह धन चुराया तो नहीं गया। एक दिन जब वह जंगल में गया तो देखा कि उसका वह धन कोई चुरा ले गया है। यह देख उसकी आंखों में अंधेरा छा गया। उसने निश्चय किया कि मैं गंगा नदी के तट पर अनशन व्रत रखकर अपनी जान दे दूंगा। ये बात जब नगर के सेठ तथा वहां के अन्य लोगों ने सुनी तो वे उसके पास आए। सेठ ने तपस्वी को समझाया, तपस्वी देवता, धन के खो जाने से मृत्यु का वरण करना अच्छा नहीं है। धन दौलत तो धूप चाह के समान है, अंततः इसके लिए इतना शोक करना व्यर्थ है। पर वह तपस्वी अपनी बात पर अटल रहा। वह अपना दंड कमंडल उठाकर गंगा तट की ओर चल पड़ा। ये बात जब प्रसेनजीत की
कानों में पहुंची तो उन्होंने राज कर्मचारियों को तपस्वी के पीछे दौड़ाया जो उन्हें लौटा ही लाए। राजा ने उनकी कहानी सुनकर उनसे पूछा, तपस्वी देवता, आपने जहाँ धन दबा रखा था वहाँ कोई निशानी भी रहती थी? तपस्वी ने कहा, हाँ महाराज, मैंने वह धन जंगल में एक छोटे से पेड़ के नीचे दबा दिया था, वही उसकी निशानी थी। इस पर राजा बोला, आप धीरज रखिए, मैं स्वयं उस धन की खोज करके आपको लौटा दूंगा, आप मरने का अनशन छोड़िए। राजा सीधा अपने शयनागार में जाकर लेट गया और सिर दर्द का बहाना किया। राजा को सिर दर्द होने की सूचना पाकर नगर के वैद्यों का राजमहल में आना शुरू हो गया। वे एक एक करके आते और अपना उपचार करके चले जाते। राजा प्रत्येक वैद्य से एकांत में यही प्रश्न करता, नगर में आजकल किस बीमारी का प्रकोप है? आपने किस बीमारी की कौन सी दवाई दी है? वैद्य भी राजा के प्रश्नों के उत्तर देते और विदा हो जाते। एक वैद्य ने राजा को बताया, मेरा एक रोगी मातृदत्त का व्यापारी है, 2 दिन से उसका दिमाग ठिकाने नहीं है, मैंने उसे नागवाला नामक बूटी खाने को कहा है। ये सुनकर राजा ने उस व्यापारी को अपने पास बुलवाया। व्यापारी से जब पूछा गया तो उसने कहा, राजन, मेरा नौकर जंगल में जाकर नागवाला बूटी ले आया है। राजा ने उसे आज्ञा दी, जाओ उस नौकर को मेरे सामने लाओ। सरकारी कर्मचारी दौड़ पड़े। राजा ने मातृदत्त के नौकर से कहा, तुमने मालिक के लिए जंगल से नागवाला बूटी उखाड़ कर लाते समय जो दीनारों से भरा कलश खोद निकाला है उसे तुरंत लाओ, नहीं तो अपने पाप का दंड पाने के लिए तैयार हो जाओ। नौकर डर के मारे थर थर कांपने लगा। वह राजा से बोला, हाँ महाराज, मैंने घोर अपराध किया है, नागवाला बूटी की खोज करते करते मुझे तपस्वी का दबाया कलश मिल गया, मेरे मन में बेईमानी घुस आई थी, मैंने उसे छुपा रखा है, मैं अभी दीनारों से भरे कलश को ले आता हूँ। ये कहकर वह वहां से भागा भागा अपने घर गया। थोड़ी ही देर में उसने तपस्वी का कलश राजा के सामने रख दिया। उस समय तपस्वी देवता भी वही थे। राजा ने तपस्वी को उसका कलश दे दिया। राजा के चतुराई पूर्ण न्याय से सभी नगरवासी प्रसन्न हुए और वे उसकी प्रशंसा करने लगे।